अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 एग्जाम डेट। तो दोस्तों इस समय की बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों जाने आवेदन की तारीख और किनको मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि यूपी टेट 2019। जी हाँ दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर आ रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सब कुछ आ चुका है। देखिए, उपयुक्त विशेष सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के पत्र, दोस्तों ये सब डेट दे रखा है, जिसके द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 एवं आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु संशोधित नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत, ये सब दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों हमें देखना है कि किस तारीख से आपका पेपर होगा। तो दोस्तों हमारे सामने इस समय पूरी PDF है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, किन बच्चों को मौका मिलेगा और किन बच्चों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब सिद्धांत दे रखे हैं आप लोगों के लिए, और क्या क्या दोस्तों दिया गया उसको पढ़ लेते हैं जो आपके लिए जरूरी हो। तो सबसे पहले दोस्तों जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो, तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस समय हमारे पास पूरी PDF है, जिसमें दोस्तों संपूर्ण जानकारी दे रखी है। तो दोस्तों चलिए खोजते हैं कि आपकी डेट का किस दिन से आपका मतलब ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। तो दोस्तों पहले देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दोस्तों कौन कौन से बच्चे पेपर दे सकते हैं, कौन बच्चे नहीं दे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है पात्रता, ठीक है। यूपी टेट में शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र है। कक्षा ले 1 से लेकर 5 तक उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता तक ने किन बच्चों को मौका मिलेगा, दोस्तों देखिए, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित एवं UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त 2 वर्षीय DLED के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले, अथवा अब दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना है कि DLED के या BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, ठीक है, उन बच्चों को दोस्तों मौका दिया जाएगा। अगर आप लोग लास्ट सेमेस्टर में हैं, फाइनल सेमेस्टर, या पास हो चुके हैं, या दोस्तों दूसरी बात दी गई कि और दूसरे कौन से बच्चे हो सकते हैं, विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा दूरस्थ विधि से अप्रशिक्षित व स्नातक शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय BTC के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षा मित्रों को मौका दिया गया है, यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। और दोस्तों अगर DLED में आप अंतिम वर्ष में, जी हाँ दोस्तों लास्ट सेमेस्टर में है, या आप DLED पास कर चुके हैं, तो आपको मौका मिलेगा। अब दोस्तों और कौन बच्चे को मौका मिलेगा देखिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लिखा शिक्षा छात्र विशेष शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा DED के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात की गई है विधि द्वारा स्थापित तथा UGC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक और NCET से शिक्षा शास्त्र में BED अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। दोस्तों की और हम आपको बताते जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन होगी आपके मन में। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्नातक परीक्षा में सिर्फ आप उत्तीर्ण, जी हाँ दोस्तों ग्रेजुएशन में दोस्तों परसेंटेज की बात नहीं की गई है, काफी बच्चे परेशान हो रहे थे। अगर ग्रेजुएशन में दोस्तों अगर आपके 50% भी हैं, तो भी दोस्तों आप लोग इसका पेपर दे सकते हैं, तो 45% और आप लोग BTC के अंतिम ईयर, ठीक है, अंतिम सेमेस्टर या BTC कंप्लीट हो चुका है, तो भी दोस्तों आप लोग यूपी टेट 2019 के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ जगह कंडीशन दी रखी है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन दी गई है दोस्तों, ये उनके लिए जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक BED से हैं, ठीक है दोस्तों, उनके लिए दोस्तों नहीं है जो BTC या DLED कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर से लिखा गया है महाविद्यालय से न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में स्नातक BED से, जो इस संबंध में समय सारणी ये है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विशिष्ट BTC वाले इसके लिए एलिजिबल है, 2 वर्षीय BTC उर्दू विशेष प्रशिक्षण डिप्लोमा इन टीचिंग दोस्तों, ठीक है, ये सब दे रखा है। उसके बाद दोस्तों कौन से बच्चे और एलिजिबल है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट, ठीक है, इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। दोस्तों कि हमने आपको बताना चाहेंगे कि काफी बच्चे इसलिए कंफ्यूजन में आ रहे थे कि क्या BTC के जो DLED के नए सेमेस्टर के बच्चे आ रहे हैं BED में, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड में, थर्ड में, क्या उनको मौका मिलेगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ पर हर बार यही बार बार साफ साफ लिखा है कि मौका सिर्फ उन बच्चों को मिलेगा जो अंतिम वर्ष में है या दोस्तों उत्तीर्ण हो चुके हैं। देखिए सभी के साथ दोस्तों ये लिखा, अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण।
ठीक है दोस्तों, सभी के साथ दोस्तों ये कंडीशन दी गई, लेकिन ये दोस्तों कहीं नहीं लिखा है कि जो बच्चे बीटीसी में एडमिशन ले चुके हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। तो बात साफ है दोस्तों कि मौका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो तो अंतिम वर्ष में। दोस्तों फिर से देखिए दोस्तों, फिर से अगर हम देख रहे हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए कौन इलिजिबल है, तो दोस्तों हर एक बच्चा डीएलएड का तो इलिजिबल है ही है, लेकिन अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें यहाँ पर दिखी हैं, तो आप देख रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों हमने देख लिया। अब देखिए कुछ चीजें और हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष आरक्षण वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों की छूट की अनुमति होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बच्चे जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे 50% कुछ जगह मांगा गया है, अगर आप लोग ओबीसी एससी एसटी से आते तो आपको 5% की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद देखिए और क्या लिखा गया है, इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद, ठीक है, ये सब दिया गया है। और उसको दोस्तों और कुछ तो यहाँ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं आप लोग के लिए, डीएड के लिए दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ये सब दोस्तों दिया गया है। ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास उपयुक्त योग्यता नहीं है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यूपी टेट की संरचना व विषय वस्तु, तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए आप लोग का पाठ्यक्रम क्या है, बाल विकास 230 क्वेश्चन 30 नंबर, ये सब दोस्तों दिया गया, भाषा प्रथम भाषा द्वितीय 30 30, टोटल 150 नंबर का, ठीक है। तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे, कक्षा 6 से 8 के लिए ये सब दोस्तों दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक देखिएगा तो सब कुछ देखेंगे। तो और दोस्तों देखिए, पास होने के लिए क्या बोला गया कि यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का वितरण वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों जनरल के लिए पासिंग मार्क यहाँ पर 90 नंबर होगी, 90 या 90 से अधिक नंबर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये सब के लिए 255% अर्थात दोस्तों अगर आप 82 नंबर लाते हैं, ठीक है, आरक्षित वर्ग से आते हैं तो समझ लेना, अगर ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं दोस्तों, तो आपके लिए 82 नंबर पासिंग मार्क चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, इस बार यूपी टेट में आ रहा है, ये सब दोस्तों लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। और तो कुछ देखते हैं और दोस्तों क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, दोस्तों हम पूरे आपके लिए डेटा ही लेकर बैठ गए हैं कि आपको हर चीज बता सके एक वीडियो में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो, परीक्षा केंद्र का निर्धारण, ये सब दोस्तों बाद में आपको बता देंगे अपडेट पर, लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए दोस्तों, हम चाह रहे हैं सब कुछ आप लोग एक ही वीडियो में जान जाए कि कैसे क्या होगा, ठीक है दोस्तों, ये सब तो अलग चीजें आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ दोस्तों एक चीज और देखिए, ठीक है, अगर यूपी टेट के लिए परीक्षा शुल्क क्या है दोस्तों, अगर केवल आप पेपर एक देना चाहते हैं, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग 600 रुपए, ठीक है, पेपर 1 और 2 दोनों देना चाहते हो तो 1200 रुपए, वही दोस्तों सेम कैटेगरी यहाँ पर भी अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपए और यहाँ पर 800 और विकलांग श्रेणी के लिए 100 और 200। लेकिन दोस्तों सीटेट में आपने देखा कुछ छूट दी गई थी, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ दोनों पेपर देंगे तो भी आपको किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं है, 600 रुपए एक का, 2 का 1200, ठीक है। तो आपने पैसा देख लिया कितने रुपए का आपका फॉर्म पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं और क्या चीज हो सकती है, तो दोस्तों आप लोग वहां पर एक टिक मारेंगे कि मैंने ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है, उसमें सही पाया तथा मैं अपने रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ, फाइनल सेव होने के उपरांत मुझे आवेदन में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा, ठीक है, ये सब दोस्तों लिखा है कि आप लोग खुद इस पर टिक मारेंगे। तो दोस्तों अभी डेट देख रहे हैं कब से आपका आवेदन किस तारीख से शुरू होगा, ठीक है दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग हर चीज जान जाए, तो सब कुछ दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब ये आपका सिलेबस आ चुका है कि बाल विकास कक्षा 1 से लेकर 5 तक बाल विकास में दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, बाल विकास होकर दोस्तों आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों अधिगम और अध्यापन, फिर दोस्तों हिंदी, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको सब कुछ प्रॉपर आपको अपनी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग अब देख लेते हैं किस दिन से आपका आवेदन शुरू हो रहा है, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर आप तो बता ही नहीं रहे आवेदन वाली चीजें। तो दोस्तों इस समय आपके सामने ये नया सिलेबस है जो आपके लिए जरूरी हो सकता है, दोस्तों इसके अलग से वीडियो हम आपको जल्दी से अपडेट कर देते हैं कि जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसको दोस्तों आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये मेन चीज थी जो जरूरी थी, तो दोस्तों कार्यक्रम का विवरण, विज्ञापन का प्रकाशन दोस्तों
31/10/2019, ठीक है, 31 अक्टूबर को होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि दोस्तों 1 नवंबर 2019 अपराह्न से। जी हाँ दोस्तों, तैयार रहिए 1 तारीख को। जी हाँ, बड़ी खबर दोस्तों आपका, 1 नवंबर से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आवेदन करना है, और दोस्तों रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आपकी क्या है, 20 नवंबर 2019। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर है। आवेदन पूर्ण करके उसमें प्रिंट लेने की अंतिम तिथि दोस्तों 22 नवंबर है, ठीक है। और ये सब चीजें आप देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग को जो जरूरी चीजें, आपका पेपर कब होगा, यूपी टेट परीक्षा की तिथि दोस्तों 22 दिसंबर 2019। प्रथम पाली दोस्तों 10 बजे से 12:30 तक होगा, द्वितीय पाली दोस्तों आपका 2:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर दोस्तों ये सब 24, वो अलग चीज है। तो दोस्तों आपका देखिए फाइनल चीज, आपका पेपर 22 तारीख को होगा, 22 दिसंबर को दोस्तों। और आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन होगा दोस्तों, ठीक है, वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। विज्ञापन का प्रकाशन 31 अक्टूबर को जारी होगा। तो सब कुछ दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख चुके हैं, सारी अपडेट्स आपके पास आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग का जो और कुछ देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो दोस्तों देखिए उत्तर माला इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तर माला को वेबसाइट पर डालने की तिथि इस दिन दोस्तों 26 दिसंबर को आप लोग का दोस्तों आंसर की जारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपत्ति करने के लिए अंतिम तिथि दोस्तों 30 दिसंबर रहेगी, ठीक है। 30 दिसंबर तक दोस्तों आप इस पर अपने आपत्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों जो परीक्षा फल दोस्तों जारी होगा वो 21 जनवरी 2020। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में सब कुछ देख लिया शुरू से लेकर अंत तक। आकर अगर आप लोग हमारे साथ बने रहे तो कब से पेपर होगा, क्या पैटर्न होगा, सब कुछ दोस्तों आपने देखा, किन बच्चों को मौका दिया जाएगा और किन बच्चों को नहीं। तो दोस्तों आप लोग का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 21 जनवरी 2020 को। पेपर की जो दोस्तों डेट आ रही है वो आप क्या ये 22 दिसंबर, और दोस्तों जो आपका रिवाइज आंसर की जारी होगा वो 26 दिसंबर को जारी होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो आपकी रिवाइज आंसर की आएगी वो 16 जनवरी को आएगी। तो दोस्तों आपने सब कुछ देख लिया इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सिलेबस के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, पढ़ाई शुरू कर दीजिए।